नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैंटोनमेंट रोड इशू के बारे में। ये इशू क्या है, यहाँ पर किस तरीके से सिविलियंस और मिलिट्री आर्मी एक तरीके से बटी हुई नज़र आ रही है और दोनों के इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं। सुन के आपको काफ़ी शौक लगा होगा कि ये कैसे हो सकता है सिविलियंस और आर्मी में इंटरेस्ट का क्लैश, मगर यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे सरकार ने रिसेंटली क्या डिसीजन लिया है, आर्मी इस पर क्या रिएक्ट कर रही है, बहुत कुछ जानने को है यहाँ पे। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, और सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज पर अप टू 50% का डिस्काउंट चल रहा है। हमारे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं SSC UPSC वेरियस एग्जाम्स के लिए। आप विजिट कर सकते हैं studyiq.com को डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए। अब देखो यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो आपको द हिंदू का एक आर्टिकल भी दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैंटोनमेंट रोड्स टू स्टे ओपन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ये जो रोड्स हैं, इसका इशू समझाने से पहले मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा कि कैंटोनमेंट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ अ कैंटोनमेंट। देखो आपको पता है कि मिलिट्री पर्सनल को काफ़ी बार साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इट इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब, उनका एक जॉब का एक पार्ट है, उनको काफ़ी बार मूव करना पड़ता है। जब वो मूव करते हैं तो उनकी ज़्यादातर फैमिली भी साथ में आती है, तो जहाँ भी उनकी फैमिली साथ में आती है, जहाँ जहाँ भी उनकी फैमिली उनके साथ रहती है, उस एरिया को हम कहेंगे कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया एक तरीके से एक टाउनशिप होती है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, एक छोटा सा शहर। ऑफकोर्स यहाँ पर इंटेंशन होती है कि इनिशियली यहाँ पर आर्मी मैन बसेंगे, मगर धीरे धीरे यहाँ पर सिविलियंस भी आने शुरू हो जाते हैं। और कैंटोनमेंट में आप देखोगे, कैंटोनमेंट एक्चुअली सेक्शन में भी बटा होगा, कुछ सेक्शन होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ मिलिट्री के लोग मिलेंगे, वहाँ पर साथ में सिविलियंस भी होंगे। तो एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी लंबे टाइम से कैंटोनमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहला कैंटोनमेंट कुछ 1700 के आसपास बना था इंडिया में, और आज के टाइम में 2018 में हम देख रहे हैं इंडिया में 62 नोटिफाइड कैंटोनमेंट्स हैं, ठीक है, और टोटल एरिया जो ये ऑक्यूपाई करते हैं ये है 1,57,000 एकड़, बहुत बड़ा एरिया है। और ये जो कैंटोनमेंट है ज़्यादातर आपको ये सेंट्रल कमांड में मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 25 सेंट्रल कमांड में हैं, 19 है सदर्न कमांड में, 13 है वेस्टर्न कमांड में, और 4 है ईस्टर्न कमांड में, और 1 है नॉर्दर्न कमांड में, ठीक है। अब ये कैंटोनमेंट ऑल ओवर इंडिया बसे हैं। अब इन कैंटोनमेंट की वजह से काफ़ी बार कई शहरों में आबादी इंक्रीज हुई है और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है। समझाता हूँ, देखो एक कैंटोनमेंट है, मान लो एक लखनऊ में कैंटोनमेंट है, तो ज़्यादातर कहीं भी एक कैंटोनमेंट जब बनता है तो उसके आसपास लोग अपने आप घर खरीदने स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट खुल जाती है, क्योंकि सबको पता है कि जहाँ पर कैंटोनमेंट खुलेगी, जहाँ पे आर्मी के लोग रहेंगे, सड़कें साफ़ होंगी, मार्केट की क्वालिटी और ज़रा बेहतर होगी, एवरीथिंग विल बी बेटर, सिक्योरिटी अच्छी होगी। काफ़ी बार अब जैसे जो नए शहर बस रहे हैं देहरादून में या फिर कहीं भी बस रहे हैं, वहाँ पर अगर कैंटोनमेंट है आसपास तो उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है अलग से कि यहाँ पर कैंटोनमेंट है, ये कैंटोनमेंट के आसपास का एरिया है, तो ज़्यादातर माना जाता है कि वहाँ पे क्राइम बहुत कम होगा और सब कुछ काफ़ी अच्छा होगा। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओवर द ईयर्स इंडिया में जो भी 62 कैंटोनमेंट्स हैं उनकी वजह से आसपास का जो एरिया है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो सकता है कि अच्छा तो एक कैंटोनमेंट और एक मिलिट्री बेस में फ़र्क क्या होता है। आपने मिलिट्री बेसिस के बारे में सुना होगा, हर कंट्री के हैं, रिसेंटली चाइना ने जिबूती में मिलिट्री बेस अभी एक्वायर किया, काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि सेशल्स में उसको मिलिट्री बेस मिल जाए, वो भी बात अभी काफ़ी हद तक अटकी हुई है, उस पर न्यूज़ आ रही है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि वो मिलिट्री बेस मिला नहीं मिला, मगर इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि सेशल्स में भी उसका एक मिलिट्री बेस बन जाए। तो देखो फ़र्क यहाँ पे एक मिलिट्री बेस में और एक कैंटोनमेंट में ये होता है कि कैंटोनमेंट में जो आर्मी मैन है उनकी फैमिली साथ में रहती है, कैंटोनमेंट में आपको स्कूल मिलेंगे, आपको मार्केट मिलेगी, आपको और सारी जो सुविधाएं हैं जो एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फैमिली को ज़रूरत होती है, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। मिलिट्री बेस प्योरली आर्मी मैन के लिए होती है, या जो भी वहाँ पे अगर एयरफोर्स या नेवी के लोग आपको डिप्लॉय करने हैं उनके लिए होती है, वहाँ पे उनकी फैमिलीज आपको ज़्यादातर नहीं दिखेगी। और दूसरी बात, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो कैंटोनमेंट है ये बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि यहाँ पे एक मिक्स्ड पॉपुलेशन रहे, जहाँ पे मिलिट्री और सिविलियन पॉपुलेशन मिल के रहे, ठीक है। हालांकि जो एक मिलिट्री बेस है वहाँ पे स्ट्रिक्टली मिलिट्री पॉपुलेशन होती है। दूसरी बात, कैंटोनमेंट्स को
सीधा गवर्न किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ठीक है, ये याद रख लेना। और दूसरी बात देखो, कैंटोनमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट भी है जिसको हम कहते हैं कैंटोनमेंट एक्ट 2006। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये प्रोवाइड करता है कैंटोनमेंट्स हैव ए म्युनिसिपल बॉडी फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर संविधान में लिखा हुआ है कि कैंटोनमेंट्स की एक म्युनिसिपल बॉडी भी होगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वहाँ पर उनका एक एक्सक्लूसिव सिविल सर्विस भी होती है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इसके लिए विच गवर्न्स कैंटोनमेंट्स अलॉन्ग विथ मिलिट्री ऑफिसर्स। अब इसको आप अगर कंपेयर करोगे मिलिट्री बेसिस से या मिलिट्री स्टेशन से तो ये काफ़ी एक अलग कहानी है। यहाँ पे मिलिट्री बेसिस किसी एक्ट के अंडर नहीं आते, ये एक्वायर किए जाते हैं या लीज लिए जाते हैं सरकार द्वारा, और ये 10 साल 20 साल बाद चेंज भी किए जा सकते हैं, ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये जो कैंटोनमेंट एक्ट है ये मिलिट्री बेसिस पर अप्लाई नहीं होता। अब देखो यहाँ पे इशू क्या है, इशू देखो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको ये बताया कि काफ़ी जो कैंटोनमेंट्स हैं हमारे काफ़ी पुराने हैं, कई दशकों पहले उनको बनाया गया था, उनके आसपास और ज़्यादा आबादी बसी, क्योंकि सबको पता था कि कैंटोनमेंट है यहाँ पे घर खरीद लो सेफ रहेगा। अब आज के टाइम में जो अर्बन सेटिंग है वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये कैंटोनमेंट्स काफ़ी बार जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए एक इरिटेशन का कारण भी बनते हैं। समझाता हूँ आपको, देखो क्या होता है कि कैंटोनमेंट्स के काफ़ी सारे जो एरिया हैं अंदर, मान लो ये जो आपके सामने मैंने ये चौकोर बनाया है, ये चौकोर मान लो एक कैंटोनमेंट है। अब कैंटोनमेंट के अंदर बहुत सारी सड़कें जाती हैं, कैंटोनमेंट बहुत बड़े होते हैं, कई एकड़ों में फैले होते हैं, ठीक है, तो कैंटोनमेंट के अंदर बहुत सारी सड़कें जा रही हैं, और मान लो कोई आदमी यहाँ से उसको यहाँ पर पहुँचना है और उसको कैंटोनमेंट से गुजरना ही है, तो कई बार क्या होता है सड़कें बंद कर दी जाती हैं। अब रीज़न है उसके पीछे, मिलिट्री को लगता है कि सिक्योरिटी का इशू है या और कुछ इशू है, तो यहाँ पर लोगों को पूरा घूम के कोई और रूट लेके फिर जाके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने का मौका मिलता है। और देखो इस रीज़न की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे नाखुश भी रहते हैं। तो ओवर द ईयर्स ये जो प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं, इंडिया में आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई थी 1970s के बाद से, उसके बाद से बहुत ज़्यादा हमारी जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और आज के टाइम में सबके पास कार है, सबके पास स्कूटर है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कई सालों से बढ़ती रही और यहाँ पे लोगों की जो कंप्लेन है वो भी इंक्रीज़ होती रही। अब आज के टाइम में क्या हो गया कि बहुत सारे यूनियन बन गए हैं जो ये कैंटोनमेंट का ये जो रोड ब्लॉक करने का सिस्टम है इसके खिलाफ भी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अब एक आप यहाँ पर तर्क ले लगा सकते हो कि ये जो कैंटोनमेंट्स हैं यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू रहता है, कोई यहाँ पर अटैक ना कर दे, मगर हमको यहाँ पर एक बात ये भी देखनी होगी कि जो 62 कैंटोनमेंट्स हैं इंडिया में, सारी की सारी पाकिस्तान बॉर्डर या फिर जो आप कह सकते हैं चाइना बॉर्डर या कोई ख़तरनाक एरिया में नहीं है, ज़्यादातर कैंटोनमेंट आप देखोगे काफ़ी सेफ एरिया में है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू अभी तक देखा नहीं गया। तो वहाँ पर भी जब ये रोड ब्लॉक कर दी जाती है तो सिविलियंस को लगता है कि बस उनको परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है, हालांकि आर्मी के अपने रीज़न होते हैं। कई बार होता है कि कैंटोनमेंट के अंदर कोई आर्मी की स्पेशल मीटिंग हो रही है या फिर कुछ उन्होंने वहाँ पे इक्विपमेंट रखा है या कुछ और एक आर्मी के पर्पज़ के लिए वो नहीं चाहते वहाँ पे कि कोई वहाँ पर व्हीकल आसपास उसके जाए कैंटोनमेंट के। तो सिविलियंस को काफ़ी बार ये बात नहीं समझ में आती और ये जो एक काफ़ी बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है सिविलियंस और आर्मी मैन के बीच में, ये इशू काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करता था, रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस इशू को लेकर एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। अब देखो यहाँ पे लोगों का जो एंगर है वो अपनी जगह कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिंपल बस रोड का इशू है कि हमको यहाँ पे जाने नहीं दे रहे एक ब्लॉक हो गया रास्ता, नहीं। आप अगर किसी अर्बन सेटलमेंट में रहते हैं तो आपको पता है अगर आपको 7-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ता है तो आपको अगर वहाँ पे और ट्रैफिक और मिलता है तो एवरी डे इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल इससे आ सकती है। तो इसलिए हज़ारों लोग यहाँ पर ये जो कैंटोनमेंट का डिसीजन होता है काफ़ी बार सड़कें बंद करने का इसके अगेंस्ट भी हैं। अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक निर्णय लिया कि कैंटोनमेंट की जो सड़कें हैं ये सिविलियंस के लिए ओपन कर दी जाए। ये काफ़ी बड़ा निर्णय है क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है सिक्योरिटी इशू को काफ़ी हद तक इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बार कैंटोनमेंट एरिया को बंद रखने के पीछे एक काफ़ी उनका जेन्युइन रीज़न भी होता है। तो अब कल को उनका कोई रीज़न होगा तो भी क्या वो जो रोड्स हैं उसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे? अब यहाँ पर ये जो इशू है और ज़रा गर्मा जाता है क्योंकि अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने ये वोट्स के लिए किया है,
लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पर खुश नहीं थे, हज़ारों की संख्या में जो खुश नहीं थे कि उनको यहाँ पर सड़कों का एक्सेस नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर एक तरफ तो सरकार ने इन लोगों को खुश कर लिया है जो यहाँ पर ट्रैवलर्स थे, जो यहाँ पर ड्राइव करना चाहते थे, मगर जो बहुत सारी आर्मी की फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी हद तक इसे नाखुश हो जाएंगी, क्योंकि कैंटोनमेंट एक बहुत ही सेफ एरिया माना जाता है। अगर यहाँ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं पब्लिक के लिए ताकि वो आराम से ड्राइव कर ले, तो कुछ यहाँ पे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि सेफ्टी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडरमाइन होगी। अब यहाँ पे हमको ये भी समझना होगा कि कैंटोनमेंट एरिया में आज से पहले कोई एक बड़ा आज तक कोई अपराध हुआ नहीं है, मतलब कोई ज़रा बहुत ही रेयर सुनने को आता है कि कोई यहाँ पे मर्डर हो गया हो, ज़्यादातर एक छोटी सी रॉबरी के केसेस भी आते हैं। तो यहाँ पे जो कैंटोनमेंट के लोग हैं उनको ये भी डर है कि इस रीजन के बाद से यहाँ पे क्राइम भी कुछ हद तक बढ़ सकता है। तो इस इशू को लेकर आज के टाइम में आर्मी और सिविलियंस के बीच में एक काफ़ी हद तक एक बोन ऑफ कंटेंशन आ गया है, और दोनों जो पक्ष हैं वो अपने तर्क दे रहे हैं कि हमारे लिए कन्वीनियंस का इशू है, आर्मी कह रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। अब देखो लॉन्ग टर्म में हमको यहाँ पे ये सोचना होगा कि क्या हम सिविलियंस की सहूलियत के लिए आर्मी के जो इंटरेस्ट हैं उनको पीछे नहीं रख रहे। अब ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये इसके लॉन्ग टर्म काफ़ी रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं, काफ़ी नतीजे इसके निकल सकते हैं। रिसेंटली आपको पता है OROB का इशू काफ़ी तक न्यूज़ में था, सरकार कहती है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो करना था वो कर लिया, मगर तब भी बहुत सारे जो वेटरन्स हैं, आर्मी वेटरन्स हैं, वो नाखुश थे, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, वो मीडिया ने चेहरे कवर किया था। उसके बाद फिर अब ये केस फिर से हो गया है, तो हमको ये देखना होगा यहाँ पे कि आर्मी की जो इंटरेस्ट है, आर्मी जो चाहती है, क्या हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंट्री के लिए ख़राब है। ये जो एक छोटा सा इशू हमको लग रहा है, मगर जो आर्मी की जो फैमिलीज़ हैं, जो आर्मी वाइफ्स हैं वहाँ पे, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स हैं, उनके लिए इशू बहुत बड़ा है। ये काफ़ी डिस्कस करेंगे उसको और काफ़ी हद तक वो फील भी करेंगे कि सडनली जिस एरिया में वो रहते थे उसको एक तरीके से ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है, और यहाँ पे उनको अब शायद डर भी लगेगा कि खतरा भी यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ वाई ये अब इशू काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, और ये देखना होगा कि सरकार क्या इस इशू को लेकर कोई रोल बैक करेगी या फिर सरकार अपने निर्णय पर बनी रहेगी।